सेक्रेट गेम्स के गणेश गायतोंडे के कैरेक्टर में धमाल मचाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से आ रहे हैं मंटो के साथ। हमारे साथ है जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी। श्वेता जी, आपका स्वागत है लहरे में। मंटो के साथ एक बार फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी लौट रहे हैं। बॉलीवुड में अगर इस साल की अगर बात की जाए तो उन्होंने ज़्यादा छाप नहीं छोड़ी है, ज़्यादा मैजिक नहीं क्रिएट कर पाए वो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो क्या लगता है ये मूवी कितना कमाल करेगी? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक है शहनशाह, दूसरे है बादशाह, और सेक्रेट गेम्स में इन्होंने तो कह दिया, कभी कभी अपुन को लगता है अपुन ही यहाँ के भगवान है। सो वो शायद इनके साथ टैग लग जाए, बिकॉज दिस ईयर सेक्रेट गेम्स है व्हाट कमाल इट हैज़ डन फॉर हिम। अभी वो अपने 45th ईयर में है जी। उनकी स्टोरी सब जानते हैं, कहाँ से शुरुआत की थी। आई हर्ड वॉचमैन भी हुआ करते थे, हम्बल बिगनिंग्स थी उनकी। हम्बल बिगनिंग्स। सो बर्थ डेट अगर आपका सही है, दैट इज 19th, एंड ही इज आल्सो अ टॉरिन, जो फिल्म इंडस्ट्री का ही नंबर है जी। उनका नाम का जो टोटल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये 7 पे जुड़ के आता है, विच इज वन ऑफ हिज मोस्ट लकी नंबर्स जी। जब हम उनकी पूरी बर्थडे ऐड करते हैं तो 9 पर जुड़ के आता है, जो इस वक्त वो अपने 45th ईयर में चल रहे हैं जी। सो 9 ऑल्सो इज हिज वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेबल नंबर्स। तो मंटो से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, जैसे आपको हैं जी। एंड नंदिता दास है तो पिक्चर में कुछ ना कुछ कमाल होगा, कोई मैजिकल थिंग तो होगी। आई डोंट नो मनी कितना कमाएगी, बिकॉज नंदिता दास इज नॉट एसोसिएटेड विद मनी मूवीज जी। नवाजुद्दीन जी भी, मैंने सुना है ये मूवी के लिए सिर्फ 1 रुपये लिए हैं, जस्ट रोल उनको करना था। सो आई डोंट नो हाउ मच मनी इट विल मेक, बट इट कैन मेक मनी ऑल्सो, क्योंकि मंटो को जब मैं ऐड करती हूँ तो 21 पे जुड़ के आ रहा है। 21 इज अगेन नंबर 3, विच इज ऑफ मनी। मंटो के साथ साथ अगर हम बात करें, हालांकि बात जो उनके बाला साहब ठाकरे पे वो बायोपिक बना रहे हैं, वो ये साल नहीं रिलीज होगी, अगले साल रिलीज होगी, लेकिन बहुत चर्चाएं हो रही हैं उस कैरेक्टर को लेकर के उनकी, तो आपको क्या लगता है? गजब तो वो करने ही वाले हैं, ही सच अ सुलझे हुए एक्टर, तो बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। उनके सामने भी बार है सरकार का, सो आई एम श्योर ही इज वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दैट। मूवी का नाम भी 21 पे जुड़ के आ रहा है और रिलीज हो रही है 21 सितंबर को। सो आई हैव होप्स फ्रॉम दिस कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाएगी तो एटलीस्ट लॉस में नहीं जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर मंटो के साथ अपना मैजिक क्रिएट कर पाएंगे। मीनवाइल आप देखते रहिए द जुमानी शो, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लहरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।